मैंने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन इसके जैसी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और इस बुक की कुछ बातें इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे यूएस के प्रिजंस में तक बैन किया गया है, क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग ये चीज देखते हुए आ रहे हैं कि जो भी सच कहता है उसकी आवाज हमेशा दबाई जाती है, बिकॉज दीज पावरफुल पीपल डोंट वॉन्ट यू टू नो देयर सीक्रेट्स। लेकिन ऐसा इस बुक में क्या है जो ये इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है? तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग एक एक करके इस बुक के हर एक लॉ को डिकोड करेंगे। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, एंड लेट्स डिकोड इट टुगेदर। लॉ नंबर वन, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इस लॉ को अच्छी तरीके से समझने से पहले हमें एक ह्यूमन नेचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझना पड़ेगा, और वो चीज है इनसिक्योरिटी। ये चीज ना आपको किसी ने सिखाई है ना बताई है, लेकिन फिर भी ये ट्रेट आप में बचपन से मौजूद है। तो आपने ये चीज 110% नोटिस की रहेगी कि बचपन में जब भी हमारी माँ किसी और को अपने गोद में उठा लेती थी तो हम लोग रोने लग जाते थे, और तभी से एक्टिवेट हो चुकी थी ये ट्रेट विच इज नोन एज इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी देखा जाए तो दुनिया में 98% लोगों में ऑलरेडी मौजूद है, और बस 2% लोग जानते हैं उससे डील कैसे करना है। और बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपकी उन 2% लोगों से मुलाकात होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ आपको इन 98% लोगों से ही डील करना पड़ेगा। और इनसिक्योरिटी हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मौजूद है, हर एक जगह पे आपको इनसिक्योरिटी के कई सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बुक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, और इसमें ऐसी कई सारी चीजें बताई गई है जो एक इंसान को मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसका पहला लॉ उसी का फायदा उठाता है, किसी और इंसान की इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो, कभी भी उस इंसान की इनसिक्योरिटी को क्रॉस मत करो, क्योंकि इन द एंड यू वुड बी इन ट्रबल। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब भी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाते हुए कोई गलती कर दे और कोई बच्चा जाके बीच क्लास में सबके सामने उनको टोके और उनको करेक्ट करे, तो वो चीज किसी भी टीचर को पसंद नहीं आती। और आप ये चीज नोटिस करोगे कि उस टीचर का बिहेवियर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बदल जाएगा। और ये चीज जॉब में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप अपने बॉस से शाना बनने की कोशिश करोगे, वो आपको अपनी जगह दिखा देगा। और ना सिर्फ प्रोफेशनल एरिया, पर्सनल एरिया में भी सेम चीजें होती है। आप अपने फैमिली में ही देख लो, जब भी आप खुद से बड़े किसी इंसान को कुछ बताने जाओगे या फिर कुछ सिखाने जाओगे तो वो आपसे एक ही चीज कहेगा, मैंने तो उससे ज्यादा दुनिया देखी है, मेरे को मत सिखा। यहाँ तक कि आपका अगर पॉइंट भी करेक्ट रहेगा तो भी आपको ही नीचा दिखाया जाएगा। इसी वजह से तो आज के इस प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में और स्कूल में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो चाटना जानते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके सबका चाटना है, बट आपको वो चीज कॉन्शियसली खुद के बेनिफिट के लिए यूज करनी है, बिकॉज आपको अगर इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो कुछ अनस्पोकन रूल्स है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो नेवर आउटशाइन योर मास्टर का मतलब क्या है? अब मास्टर आपका बॉस हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, या फिर आपका बड़ा भाई हो सकता है। जो भी इंसान एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपसे थोड़ा सा ऊपर है या फिर आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता है, उसे एग्जाम्पल के लिए अपना मास्टर समझ लो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको उससे स्मार्ट नहीं दिखना है। एक चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखना कि लिसन मोर एंड टॉक लेस। आपको खुद को पता है आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, आप उससे ज्यादा जानते हो, लेकिन आपको प्रिटेंड करना है कि आप डम हो, बिकॉज फॉर सम रीजन पीपल लाइक टू स्टे अराउंड दोस पीपल हु आर मोर डम देन देम। ऐसे लोग बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और आपको वही करना है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट फ्रॉम समवन, दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। जो अगर आप गलती से भी उनसे थोड़ा स्मार्ट दिख जाओगे तो आपको वो कभी नहीं सिखाएंगे। और किसी के सामने भी डम दिखना आपकी वीकनेस नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप दूसरों के सामने वीक दिखोगे तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर वो चीज एक पॉइंट के बाद आपको एक पावरफुल पोजीशन पे ला के रख रही है तो वो आपकी वीकनेस नहीं है। आपने बस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को कंसील करके रखा है और दुनिया से छुपा के रखा है, ताकि सही टाइम पे आप उसका यूज कर पाओ। मैं आपको एक चेस का एग्जांपल देके समझाता हूं। एंड चेस प्रोबेबली इसी वजह से मेरा एक फेवरेट गेम बन चुका है, बिकॉज हर एक मूव को खेलने से पहले आप उसके आगे के 10 मूव सोच के रखते हो। और कई बार आपके गेम में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे आपको एक प्याले की कुर्बानी देनी पड़ती है। यू हैव टू सैक्रिफाइस इट इफ यू वांट टू विन द गेम। सामने वाले को ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो जीत रहा है, सब उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। ऐसे मोमेंट्स में कई बार सामने वाला अपना डिफेंस मैकेनिज्म ड्रॉप कर देता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू अटैक। उसको लग रहा था पूरा गेम उसके कंट्रोल में है, बट इन रियलिटी शुरुआत से गेम को आप ही कंट्रोल कर रहे थे। बहुत बार गुस्से में हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए तो हमेशा आपको कहा जाता है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लिया करो। एंड आचार्य चाणक्य को भी इसी वजह से दुनिया का सबसे स्मार्ट टीचर कहा जाता है, बिकॉज उन्हें अच्छे से पता था कि कौन सा मूव कब खेलना है और कब शांत रहना है। और अगर आप जाके चाणक्य की नीति भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बुक बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बट जितनी भी सारी बुक ब्लंट है और सच कह रही है वो इस दुनिया को मैनिपुलेटिव लगती है। बट इन द एंड सब कुछ पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, क्या वो ये सारी टैक्टिक्स जो मेंशन की गई है वो अटैक करने के लिए यूज करेगा या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए। तो आज का लॉ यही था कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आई होप आपको ये समझ में आगे रहेगा और आप इसे अच्छे के लिए यूज करोगे। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगले वीडियोस में कौन से टॉपिक चाहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एस के चौधरी, और आज आपसे मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉ ऑफ पावर से कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं। ये बहुत ही पावरफुल बुक है जिसे पढ़कर आप ऐसे ट्रिक्स जान पाएंगे जिससे आप खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लॉ से। अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर हैं,
उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। अपने मास्टर को सदा यह महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रतिभाशाली हैं, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। नेक्स्ट, अपने उद्देश्य को छुपाएं। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं किसी से ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को यह पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वह आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। जब तक वो आपकी इरादे को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सारी कमजोरियां पता चलेगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही आप साधारण लगते हैं। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहती हैं, लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहने से लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्गुमेंट से नहीं। आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत, वो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात न मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्गुमेंट या बहस न करें, उनके साथ सदा सहमति जताएं। नेक्स्ट, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें, इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। नेक्स्ट, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे, तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे, तो आप जैसे चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेरा फेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा के कवच को भेद सकती है। नेक्स्ट, जब आप किसी से मदद मांगे, तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने के बजाय वह आपको नजर अंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिसकी उन्हें इस समय जरूरत है, तो निश्चित ही वह आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ न कुछ चाहते हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दें। प्राचीन भारत के मशहूर दार्शनिक कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि व्यक्ति वक्त के साथ साथ वह और भी खतरनाक बन जाता है। कौटिल्य कहते हैं, दुश्मन सूखी घास के ढेर पर अंगारों की तरह होता है, जो सुलग कर पूरी घास को जला सकता है। जब आप सोच रहे होंगे अपने दुश्मन को कैसे मार सकता हूँ, इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन का कत्ल कर दें। असल में यहाँ दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतियोगियों पर हमेशा हावी रखें। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे, सुने जाएंगे, उतना ही साधारण लगेंगे। किसी भी प्रसंग की शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं तो भुला दिए जाएंगे।
जब आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति प्रेम की भावना जाग जाए तो आपकी अनुपस्थिति उसे और बढ़ा देगी। दूसरों की नजरों में अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति को आप एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपकी उपस्थिति ज्यादा होगी, वहाँ लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करना सीखें। नेक्स्ट, किसी से कमिटमेंट ना करें। आप किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं तो आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जिससे आप कमिटमेंट करते हैं, आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। आपको अपनी छवि मजबूत बनानी चाहिए। किसी से कमिटमेंट करने का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर देना। ऐसा करने से आपका कर्तव्य बढ़ जाता है और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप कभी किसी से पक्का वादा ना करें और खुद को एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और लोगों को अपने काम के लिए खुद आपके संपर्क करें। नेक्स्ट, लोगों को उन्हीं की तरफ बनकर फंसाएं। अपने प्रतियोगी से मूर्ख दिखें। दोस्तों, दूसरों के सामने कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता है। ऑथर हमें बताते हैं कि आप अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि आपसे अधिक होशियार। एक बार आपके प्रतियोगियों को यकीन हो गया कि वो आपसे अधिक स्मार्ट है, तो उन्हें कभी नहीं लगेगा कि आपका कोई गुप्त उद्देश्य है। अपने प्रतिद्वंद्वी को मिसगाइड करना, यानी कि अपने उद्देश्य से बहकाना, एक बहुत अच्छी तरकीब है। अपने प्रतियोगियों के सामने बेवकूफ बनकर रहें और उन्हें यह दिखाएं जैसे आप कुछ नहीं जानते। ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरे को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए बेवकूफी साबित हो सकती है। नेक्स्ट, आत्मसमर्पण की युक्ति इस्तेमाल करें। अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। जब आप कमजोर हो तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा। आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की अवस्था में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाएं, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आपका ध्यान एक लक्ष्य पर नहीं है तो यह लौ खास तौर पर आपके लिए है। कुछ लोगों को अपना ध्यान एक काम पर लगाने में मुश्किल होती है। जब भी वह अपना ध्यान किसी काम में लगाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों और चीजें उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका समाधान यह है कि हमें अपने विचारों को और कार्यों को केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा ध्यान एक दिशा में लगाना चाहिए। कुछ लोग बार बार अपने कार्य के क्षेत्र को बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इससे बेहतर यह है कि किसी एक क्षेत्र में ध्यान लगाएं जो आपकी रुचि और काबिलियत के मुताबिक सबसे अच्छा हो, और उसी क्षेत्र में लगातार मेहनत करें। ऐसा करने से आपकी सारी ताकत और ऊर्जा एक ही कार्य में केंद्रित होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, अपनी खुद की शैली में रॉयल बनकर रहें, राजा की तरह नजर आएं। यह लॉ कहता है कि आप जिस तरह लोगों को नजर आएंगे, लोग उसी तरह आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप असभ्य और साधारण दिखेंगे तो लोग आपका आदर नहीं करेंगे। राजा लोग खुद अपना आदर करते हैं और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो आपके व्यवहार में नजर आएगा।
दोस्तों रॉयल बनने के लिए हम यहाँ आपको तीन बातें बताऊंगा। पहली बात, आपको जो भी चाहिए उसे पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ मांगे। दूसरी बात, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क बनाएं और यह दिखाएं कि आप उनके बराबर हैं। तीसरी बात, अपने से बड़े लोगों को तोहफा दें, यह दिखाने के लिए कि आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। अपनी कीमत हमेशा ज्यादा रखें, क्योंकि अगर आप कम मांगेंगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा। जब आप अपने लिए बड़ी कीमत निर्धारित करेंगे तो आप एक राजा की तरह बड़े नजर आएंगे, क्योंकि बड़े लोग कम कीमत में काम नहीं करते। ऐसा करने से लोगों का आपको आपका आत्मविश्वास दिखेगा और वो आपका सम्मान करेंगे। नेक्स्ट, समय के प्रबंधन की कला को सीखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका खुद पर और समय पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। हमेशा धीरज रखें और धैर्य से काम लें, जैसे कि आपको पूरा विश्वास हो कि आप हर चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अक्सर हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं, या फिर मौजूदा परिस्थितियां हमें वह काम करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन हर काम को करने के लिए एक सही समय होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम किसी कार्य को करने में इतनी देर कर दें कि उसे करने का सही समय निकल जाए। हमें ना तो कोई कार्य जल्दबाजी में करना चाहिए और ना ही बहुत देरी से। हमें उसे सही समय पर करना चाहिए। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय के प्रबंधन की कला को सीख लें। कामयाब लोग होने में और शक्तिशाली बनने में समय का प्रबंधन एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह काम करता है। नेक्स्ट, आप जैसे चाहे सोचो पर दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप आज के जमाने के साथ नहीं चलेंगे और लोगों को अपने परंपरागत विचार बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसा करने पर लोग आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सुरक्षित तरीका यही है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वह देखना चाहते हैं। आपके विचार सिर्फ उन लोगों को बताएं जो उनमें विश्वास करते हैं। धोखा देने की कला कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जैसे एक गिरगिट इर्द गिर्द के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता है और सही मौका देखकर अपने शिकार पर आक्रमण करता है, उसी तरह शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल में ढल कर रहें। दोस्तों, यह लॉ हमें बताता है कि ऐसे विचारों को प्रकट करने का कोई फायदा नहीं जो हमारे लिए खतरा पैदा कर दे। ऐसे विचारों को दबाकर रखने में ही समझदारी है। नेक्स्ट, मछली पकड़ने के लिए पानी में हड़कंप मचाएं। दोस्तों, यह लॉ कहता है कि गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए हमें सदा शांत रहना चाहिए। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो किसी के भी उकसाने पर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मछली का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों और दुश्मनों से है और पानी का मतलब आपके प्रतियोगियों की भावनाएं हैं। अगर आप अपने दुश्मन को उकसाकर, गुस्सा दिलाकर खुद शांत रह सकते हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जब आपका दुश्मन बहुत गुस्से में हो तो ऐसे हालात में शांत रहना ही सबसे अच्छी तरकीब है। यह लॉ हमें बताता है कि जब पानी स्थिर होता है, यानी आपका दुश्मन शांत होता है, तो उसके पास योजना बनाने के लिए और आक्रमण करने के लिए समय होता है। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आप दुश्मन को कदम उठाने के लिए उकसाएं, वह भी उस समय जब वह लड़ने के लिए तैयार न हो। ऐसा करने से वह निश्चित तौर पर गलत कदम उठाएगा और उसका फायदा आपको होगा। दुश्मन की ऐसी भावनाओं को जगाएं जिन पर उनका नियंत्रण न हो, जैसे प्यार, गर्व, घमंड और क्रोध, क्योंकि ऐसा करने से वह कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा और निश्चित तौर पर अंत में जीत आपकी ही होगी। नेक्स्ट, मुफ्त में मिलने वाली चीज का तिरस्कार करें। दोस्तों, मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है।
जब कोई आपको मुफ्त में कुछ देने की कोशिश करता है तो इसके पीछे उसकी कोई गुप्त तरकीब या गुप्त उद्देश्य हो सकता है। अगर कोई आपको मुफ्त उपहार देता है तो आप उसके कर्ज के नीचे दब जाते हैं। आप तोहफा देने वाले व्यक्ति के सामने छोटे नजर आते हैं और आप उन्हें किसी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति हमें मुफ्त में कोई तोहफा देता है तो वह उसके बदले हमसे कुछ न कुछ जरूर चाहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक तौर पर होता है। आप तोहफा देने वाले व्यक्ति के एहसान तले दब जाते हैं और वह व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उस एहसान के बदले में आपसे कुछ न कुछ मांगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको मुफ्त में कुछ देता है तो आप उसकी कीमत अदा कर दें। ऐसा करने से आपका तोहफा देने वाले के एहसान से बचे रहेंगे और आप उन्हें किसी कार्य के लिए मना भी कर सकते हैं। शक्तिशाली लोग दूसरों से प्रभावित नहीं होते बल्कि उन्हें प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो उनका खर्च कराने की बजाय आप खुद उनके लिए पैसा खर्च करें। ऐसा करने से आप स्वतंत्र और नियंत्रण में रहेंगे और किसी के एहसान से बचे रहेंगे। अगर आप लोगों को एहसान और नियंत्रण से बचना चाहते हैं तो उनसे कोई भी चीज मुफ्त में ना लें, बल्कि अपनी तरफ से आप जो दे सकते हैं उन्हें दें। नेक्स्ट, लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करें। यह लोग कहता है कि प्रोत्साहन और प्रलोभन किसी जंग को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी पर शक्ति का उपयोग करके जीतते हैं तो उनकी नाराजगी समय के साथ नफरत का रूप ले लेती है और आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। आपको लोगों को अपने रास्ते पर लाने के लिए उन्हें बहकाना होगा। जिस व्यक्ति को आप बहकाते हैं वह आपका एक वफादार मोहरा बन जाता है। दोस्तों, लोगों को बहकाने के लिए आपको उसके मनोविज्ञान और कमजोरियों का पता होना चाहिए। लोगों को बहकाने के लिए आपको उनकी भावनाओं पर काम करना होगा। यह लोग कहता है कि हमें अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों को जीतने के लिए प्रोत्साहन और प्रलोभन का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों की दिल और दिमाग को नियंत्रित कर पाएंगे और उनसे जो चाहे वह काम करवा सकेंगे। नेक्स्ट, अपने जीत के लक्ष्य से ज्यादा आगे ना जाएं। दोस्तों, जीत की घड़ी जोखिम की घड़ी होती है। जीत की खुशी में आपकी उदंडता और आपका आत्मविश्वास आपको ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। आपके लगातार आगे बढ़ते रहने से आपके बहुत से नए दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, जीत हासिल करने के बाद आपको विराम लेना चाहिए और सावधानी से अगले लक्ष्य की योजना बनानी चाहिए। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप एक लक्ष्य हासिल करने के बाद विराम लें। लोगों और अपने प्रतियोगियों की प्रक्रिया को समझें। इस बात के लिए तैयार रहें कि कामयाब होने के बाद आपके प्रतियोगी आपके खिलाफ कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे। शक्तिशाली लोग हमेशा एक योजना से काम नहीं करते, वे परिस्थितियों के हिसाब से अपनी योजनाओं को बदलते रहते हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से उनके प्रतियोगी उनकी योजनाओं को नहीं समझ पाते, वो अपना अगला लक्ष्य हासिल करने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट, निराकार बनकर रहें। ब्रूसली ने कहा था, हमें पानी की तरह निराकार होना चाहिए। जिस तरह पानी बर्तन का आकार ले लेता है, उस तरह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार आकार ले लेना चाहिए, जिससे वह अपने आने वाले खतरों से बचा रहता है। दोस्तों, अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप दुश्मनों की योजनाओं को जान पाएंगे और उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। कामयाब और शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप निराकार बनकर रहें। दोस्तों, यह रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉ ऑफ पावर से कुछ चुनिंदा लॉ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगेगी बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दुनिया आपको चीजें बहुत शुगर कोट करके दिखा रही है और आपको इसकी एक्चुअल रियलिटी कोई नहीं बताता। दुनिया में ऐसे कई सारे मतलबी लोग भी है जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं और अगर आपको उनसे डील करना है तो आपको भी मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा। आपको आपके बबल से बाहर निकलना पड़ेगा कि सब लोग अच्छे होते हैं एंड ये वीडियो आपके सामने दुनिया की डार्क रियलिटी ला के रखेगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ नंबर 1 के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। और आज हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं लॉ नंबर
नंबर टू को। एंड और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि अगर आप कोई हाई एक्सपेक्टेशन रख के आए हो कि इस वीडियो में डिंग डोंग एडिट्स होने वाले हैं, यहाँ वहाँ से चीजें उड़ती हुई आएगी, टेक्स्ट उड़ते हुए आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही है बिकॉज काफी ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स ने इसके बारे में रिक्वेस्ट किया था। वरना सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी हालत नहीं थी इस वीडियो को बनाने की। मैं इतना ज्यादा बीमार हूँ कि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ। आप मेरे वर्ड्स में फंबल्स भी महसूस कर सकते हो। तो दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर माई कम्युनिटी मेंबर्स, जो लोग इस चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आखिर ये लॉ नंबर टू है क्या चीज। इट गोज बाय नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज योर एनिमी। अब इसको पार्ट बाय पार्ट डिकोड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स। इस चीज को मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए तो आप इसे लाइफ के हर एक सिचुएशन में अप्लाई करना सीख जाओगे। कई बार ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में अगर कोई बिजनेस आइडिया है या फिर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो हम सबसे पहले जाके अपने दोस्तों को बताते हैं, और कई बार हम लोग उन्हें पूछते हैं कि भाई क्या तू इसमें मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा। बट ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा करना ना सिर्फ आपकी उस इंसान के साथ रिलेशन खराब कर देगा, बट आपको मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली एक बहुत बड़ा सेटबैक भी दे सकता है। एक ऐसा सेटबैक जिससे आपको उभरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझो कि अगर आप किसी दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो आप उसकी गलतियां छुपा देते हो या फिर उसकी मिस्टेक्स उसे बताने से डरते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि ऐसा करने से शायद आपकी रिलेशन खराब हो जाए, आपकी इतने सालों की फ्रेंडशिप खराब हो जाए। और इस लाइन को अगर आप किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप दोनों दोस्तों ने सेम लेवल से शुरुआत की है और आप हल्का सा भी उनसे ऊपर निकल जाओ तो ये चीज 99% ऑफ द दोस्तों को सहन नहीं होती कि भाई ये कैसे होगा, ये तो हमारे साथ बकचोदी किया करता था, अब इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। दे स्टार्ट गेटिंग जेलस ऑफ यू एंड यू स्टार्ट नोटिसिंग कि उनका बिहेवियर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भाई दुनिया बड़ी मैनिपुलेटिव है, आपको उस बबल से निकलना पड़ेगा। बट एक चीज मैं अगर आपको फ्रेंकली बताऊं तो आपके स्कूल और आपके कॉलेज के दोस्त आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रहने वाले। हो सकता है आप उनसे लाइफ में आगे निकल जाओ, या फिर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें पकड़ के बैठो और पूरी लाइफ उसी स्टेज में अटक जाओ। लर्न दिस ब्रूटल ट्रूथ अबाउट लाइफ दैट यू आउटग्रो योर फ्रेंड्स एंड लाइफ के एक स्टेज में ये डी अटैचमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप कभी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है उस दोस्त में आपके जितना डेडिकेशन ना हो सकता है वो दोस्त इतना पैशनेट ना हो लाइफ में कुछ करने के लिए, हो सकता है उस दोस्त के बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है उस दोस्त को लाइफ में कुछ उखाड़ना ही ना हो और बस मजे करने हो, तो ऐसा इंसान आपको लाइफ में उसी स्टेज पे अटका रखेगा जहाँ पे वो खुद है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, ये वीडियो वन ऑन वन कन्वर्सेशन जैसे होने वाली है, आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली आप मुझसे बात कर रहे हो। अब बढ़ते इस लॉ के सेकंड पार्ट पे, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। एनिमीज को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन, बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन विद देम। जब भी आप किसी से कॉम्पीट करते हो तो आपको एक बेंचमार्क मिलता है खुद को लेवल अप करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट है, आपको एनिमी से कॉम्पीट तो करना है बट एक लेवल तक, बट जब जरूरत पड़े तब आपको कोलैबोरेट करना भी सीखना है। और इस चीज को हम दुनिया और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। बिजनेस में अमेज़न और फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन ये बहुत सी स्टेजेस पे एक साथ भी आए हैं। जब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को इन्हें टैकल करना था तब इनका म्यूचुअल बेनिफिट था और इसी वजह से ये एक साथ आए। दे न्यू हाउ टू कोलैबोरेट। और इसको दुनिया के पर्सपेक्टिव में अगर समझे तो कोविड-19 जब आया था तब दुनिया के काफी ज्यादा बड़े बड़े सुपर पावर जैसे यूएसए, रशिया, फ्रांस, इटली, इंडिया, सारे के सारे लोग एक साथ आए थे अपनी कॉम्पिटिशन को दूर रख के, बिकॉज ऐसे मोमेंट में इन सबका एक म्यूचुअल बेनिफिट था विच वॉज नॉट कोविड। कोविड तो सेकेंडरी था, इनका सबसे मेजर बेनिफिट था डिफीटिंग चाइना, बिकॉज चाइना एक ऐसे मोमेंट पे पहुंच चुका था जहां पे वो एक सुपर पावर बनने से बस एक कदम दूर था। एंड नन ऑफ दिस कंट्रीज वांटेड दैट टू हैपन, बिकॉज ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो जाती। इस वीडियो को मैं काफी ज्यादा शॉर्ट और सिंपल रखना चाहता हूँ, मुझे कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी और ना ही इस वीडियो को आपको कहीं पे शेयर करना है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ये वीडियो शायद आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर इंडियन गलत यूज कर रहा है। आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हिस्ट्री से लेकर अब तक कई सारे मेजर इवेंट्स में अपना रोल प्ले किया है, और आज की वीडियो में कई सारे एग्जांपल्स होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ एक एग्जांपल देके आपको ये लॉ समझाया नहीं जा सकता। आज हम लोग पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, हिस्ट्री, स्टडीज, इन सारी चीजों को एग्जांपल लेके इस लॉ को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लेना और एंड तक जरूर देखना, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा गोल 3 मिलियन क्रॉस करना है और वो भी बस 30 दिनों में। इस रिकॉर्ड को सेट करने में आप सभी की बहुत हेल्प लगेगी, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसा कंटेंट और इतनी क्लियरिटी वाली चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नेचुरली लाइफ में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत इजी टू ओपन अप होते हैं, यानी वो किसी को भी अपना दर्द, अपने इमोशंस इजीली बता देंगे बिना कुछ सोचे समझे कि आगे जाके इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम लोग ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी टंग, अपनी जबान कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और इसके एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखे रहेंगे। अगर आपके किसी दोस्त को आपने कोई एक चीज बता दी और उससे कहा कि भाई इसे सीक्रेट रखना, इसे किसी को बताना नहीं है, तो 10 में से 9 चांसेस इसके कि वो बंदा जाके किसी ना किसी को तो ये चीज बताएगा। अब भले वो उसकी खुद की बंदी हो, उसका कोई करीबी दोस्त हो या फिर कोई और, बट हम इंडियंस के पेट में कोई बात नहीं रहती, और हम लोगों को बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। हाँ, ऑनेस्टी आपको कुछ जगहों पे सक्सेस जरूर दे सकती है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग ऑनेस्टी से लोगों का दिल जीत लेंगे, बट बिजनेस के मामले में कोई भी ऑनेस्ट नहीं होता। मैंने खुद ने कितनी तो भी सारी वीडियोस बना के रखी है इन सारे ब्रांड्स को रिवील करते हुए कि वो हमारे प्रोडक्ट्स में कैसे मिलावट करते हैं, और कैसे इन बड़े बड़े जायंट्स को, इन बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करने से सामने वाले को प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसे तरीके से मार्केट करते हैं जिससे सामने वाले को लगता है
कि नहीं भाई ये चीज मेरे लिए सही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज अ की टू ऑफेंड समवन। अगर कंपनीज ऑनेस्टली ये बता देंगी कि भाई ये खाने से तेरे को कैंसर हो जाएगा, क्या आप उसे कभी खाओगे? क्या उनका धंधा बड़ा होगा? उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप लाइफ में क्या डील कर रहे हो, किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। ऑल दे केयर अबाउट इज देयर ओन बिजनेस। और धंधे की दुनिया ऐसी है मेरे भाई, कोई आपको बताएगा नहीं कि ये जो 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेचा जा रहा है वो उनको बनाने में सिर्फ 10 रुपए लग रहे हैं। अगर आपको वो लोग ये चीज बता देंगे तो क्या आप उन्हें 500 रुपए दोगे? आपके दिमाग को ये बात हजम ही नहीं होगी कि भाई ये बंदा इतने ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन क्यों निकाल रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इन बिजनेस और इन रियल लाइफ टेल देम व्हाट दे वांट टू हियर रादर देन व्हाट यू फील अबाउट देम। और एक चीज होती है, अगर आपको लाइफ में किसी ऊंची स्टेज पे पहुंचना है जहां पे लोग आपको माने, तो उस जगह जाने के दो रास्ते हैं, इधर रिस्पेक्ट और फियर। बट आप इन दोनों रास्तों पे कभी चल नहीं पाओगे अगर आप प्रिडिक्टेबल हो, अगर सामने वाला बता पा रहा है कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। सो लॉ नंबर 3 इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इस लॉ को इजीली समझने के लिए मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो इस लॉ को समझने में और करेक्टली एग्जीक्यूट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1, कीप पीपल ऑफ बैलेंस। सामने वाले को कभी ये चीज समझ नहीं मत दो कि आपके एक्शन के पीछे ट्रू इंटेंशंस क्या है। अगर उनको इस चीज का क्ल्यू ही नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो कभी अपना डिफेंस प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू गाइड देम ऑन अ रॉन्ग पाथ और बेसिकली स्मोक से इतना ज्यादा कवर कर देना है चीजों को, जब तक उन्हें पता चले कि इस चीज के पीछे के ट्रू इंटेंशंस क्या थे तब तक काफी लेट हो चुका हो। ये लॉ लिटरली मैं जब खुद पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगा, बट आई डोंट फील इसमें कोई बुरी चीज है, बिकॉज आज के टाइम पे दुनिया इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि आपको भी बुरा बनना पड़ता है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, मैं हर एक वीडियो में आपको ये चीज बताते रहता हूँ कि इन लॉ का गलत यूज कभी भी मत करो, ये आपके लिए एक डिफेंसिव मेजर होने वाला है, इससे कभी भूल कर भी अटैक मत करना। नहीं तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू आर नॉट वर्थी ऑफ दिस पावर। मैं इन सारे लॉस को इतना ज्यादा डिटेल में आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज कोई अगर आप पे ये लॉ यूज कर रहा है तो आपको पता चले। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू प्रिपेयर योर ओन डिफेंसेस बिफोर दे अटैक। अब बात करते कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। नंबर 1, ये चीज पॉलिटिक्स में भी देखी गई थी। आपको पता रहेगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब हुए थे उसके बाद दुनिया की सारी सुपर पावर्स में ये रेस लग गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स कौन बनाएगा और किसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। और यूएसए गलती से भी ये चीज कभी चाहता नहीं था कि ये पावर किसी और के हाथ में जाए। सबसे पहले इंडिया ने जब इसके बारे में सोचा ही था तब यूएस ने हमें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि आप इसके आगे कभी एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे, आप इस रिसर्च को आगे कभी कंडक्ट नहीं करोगे। तो इंडिया ने कैसे फिर बहुत स्मार्टली पोखरण रेंज में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। दे कंसील्ड देयर इंटेंशंस। यूएस के सैटेलाइट्स को और स्पाई एजेंसीज को कभी पता ही नहीं चला कि वहां पे कुछ हो रहा था, बिकॉज टेस्ट के लिए लगने वाली सारी चीजें और सारे प्रिपरेशंस रात में होते थे और एग्जैक्ट सैटेलाइट ऊपर से गुजरने के टाइम पे उन्हें हाइड किया जाता था। और दिन में तो वो किसी नॉर्मल आर्मी बेस जैसा लगता था लेकिन असली चीजें रात में हुआ करती थी। एंड दैट इज हाउ वी वर एबल टू टेस्ट आवर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। अगर हम लोग ओपनली यूएस को बता देते ना कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं तो आज तक हमारे पास कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते और आज तक इंडिया उस सेगमेंट में बाकी कंट्रीज से पीछे रहता। सेकंड पॉइंट रिलेशनशिप्स को लेकर होने वाला था, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस चैनल पे रिलेशनशिप को लेकर कोई डार्क साइकोलॉजी आपको बताना नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा इंसान अगर आपको कुछ आके बताए, कुछ हैक्स बताए, कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताए और उसकी वजह से उन दो लोगों का रिलेशनशिप खराब हो, तो भाई ये मेरे आइडियोलॉजी मेरे फिलोसॉफी के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। तो भले ही मैं जितने भी सारे ट्राइड एंड टेस्टेड डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जानता हूं, बट मैं ये आपको रिलेशनशिप के सेगमेंट में कभी नहीं बताने वाला। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। अब ये मैं आपको अपने खुद के एग्जांपल से बताता हूं। जब मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था तब उस कंपनी में सबको ये चीज लग रही थी कि मैंने एज ए वीडियो एडिटर ज्वाइन किया था। नो डाउट मैंने वीडियो एडिटिंग में बाकी लोगों को इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया कि एक मोमेंट पे आई वाज लीडिंग द होल वीडियो टीम। मैंने उस साइड में अपना 110% दिया, बट माय ट्रू इंटेंशंस वर नेवर वीडियो एडिटिंग। मुझे सीखना था कि इतने कम लोगों को लेकर लोग आजकल इतनी बड़ी कंपनीज कैसे बना रहे हैं और एक स्टार्टअप को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। सो दोज वर एक्चुअली माय हिडन इंटेंशंस बिहाइंड इट। अगर मैं डायरेक्टली वहां पे जाके बता देता कि भाई मैं तो बस सीखने के लिए आया हूं कि स्टार्टअप कैसे फंक्शन करता है, तो शायद मुझे इंटरव्यू में बैठने भी नहीं देते। इंस्टेड व्हाट आई डिड वाज आई ट्रेडेड ऑफ माय स्किल्स। एक हाथ से मैंने उन्हें वो दिया जो उन्हें चाहिए था, हाई क्लास टॉप नॉच वीडियोस, उनमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आज आप टीवी पे भी देखते हो। एंड दूसरे हाथ से मैंने वो सारी चीजें सीखी जो मुझे सीखनी थी। इट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर अस बोथ। कंपनी को हद से ज्यादा सेल मिला और मुझे जो सीखना था वो सीखने को मिला। अब बात करते हैं उस एग्जांपल से जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। एग्जाम हॉल में कभी आपने किसी टॉपर से बात की है और गलती से भी अगर आपने उससे कभी जाके पूछ लिया कि भाई तूने पढ़ाई कितनी की है, तेरी पढ़ाई हो गई, तो वो कहेगा भाई कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला, घर पे लाइट चली गई थी, घर पे मेहमान आ गए थे। बट जब साला रिजल्ट की बारी आती है तब इस बंदे को आप हमेशा टॉप लिस्ट पे देखते हो। ही न्यू हाउ टू कंसील हिज इंटेंशंस। एंड जनरली आप ये चीज टॉपर्स में बहुत ज्यादा देखोगे, जो सबसे ज्यादा पढ़ता है वो कभी किसी को बताता नहीं कि मैंने पढ़ाई की है, वो हमेशा आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे मेरी पढ़ाई हुई नहीं। आप क्विकली एग्जांपल लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में मराठास काफी स्मार्ट थे अपनी वॉर स्ट्रेटजीज को लेकर। मुगलों की सेना काफी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी और कंपैरेटिवली मराठास बहुत कम हुआ करते थे। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कंसील देयर इंटेंशंस। वो कभी किसी को बताते नहीं थे कि हम लोग इस साइड से अटैक करने वाले हैं। इंस्टेड वो सामने वाले को बेवकूफ बना देते बाय यूजिंग देयर कैटल। वो उनके सिंगों पे मशाले जलाया करते थे और उन्हें रात में दौड़ाया करते थे। इससे सामने वाले को लगता था कि भाई दुश्मन सेना तो उस साइड से आने वाली है, बट इन रियलिटी उन पे अटैक किसी और ही डायरेक्शन से होता था और तो और सामने वाले को प्रिपेयर करने का मौका भी नहीं मिलता था। तो ये था लॉ नंबर 3 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। एग्जांपल्स इस वीडियो में आपको भर भर के मिलेंगे, तो इस लॉ को बारीकी से स्टडी जरूर करना। आज इस लॉ को नहीं समझा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ
लॉ नंबर 4 के बारे में। सो वेलकम टू द सीरीज जहाँ पे हम लोग एक एक करके 48 लॉज ऑफ पावर डिकोड कर रहे हैं और समझ रहे हैं इन्हें लाइफ में कैसे और कहाँ पे करेक्टली यूज करना है। और भाई अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सारे लोग बड़े प्यारे होते हैं, ये हमारा भला ही चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो को प्लीज इसके आगे मत देखना, क्योंकि आपके सारे बिलीव्स ब्रेक होने वाले हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, कोई भी इंसान तब तक ही अच्छा रहता है जब तक आप उसके लिमिट्स को पुश नहीं करते। जब भी आप किसी के लिमिट्स को, उसकी बाउंड्रीज को पुश करोगे तो आपको उसका असली रंग पता चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि उसकी दिखाने की शक्ल अलग थी और खाने की शक्ल अलग, और कैसे आपने अपनी जिंदगी में सांप पाल के रखे थे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गोल 3 मिलियन का है और बस 20 दिन बचे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना, बट एक चीज गलती से भी मत करना, और वो है इस वीडियो को शेयर करना। ये सारे के सारे लॉ स्ट्रिक्टली इस चैनल की कम्युनिटी के लिए है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जितनी भी सारी बातें हो रही है, हम जो भी चीजें डिकोड करने वाला है, वो बाहर के लोगों को पता चले। खुद सीखो, समझो और करेक्टली यूज करो। ज्यादा महात्मा बन के लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज सबको ही पता चल गई तो भाई इसका फायदा ही क्या है। तो लॉ नंबर 4 ये कहता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितना चाहिए उससे कम बोला करो। सुनने में तो बड़ा सिंपल है राइट, बट उतना है नहीं। आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपको बोलनी नहीं चाहिए, और कभी कभी आप इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते। वो कन्वर्सेशन होने के बाद 5-10 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई यार ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, ये शायद बोलना नहीं चाहिए था, या ये चीज इसको बतानी नहीं चाहिए थी। तो ये लॉ उसी एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कैसे आप जैसे भोले वाले इंसान से लोग चीजें निकलवा लेते हैं अपने फायदे के लिए, और कैसे उन लोगों से बचना है। अब हमने चीजें निकलवाने की बात छेड़ दी है, तो बात करते हैं लोग कैसे आपसे चीजें निकलवाते हैं, क्या वो टैक्टिक्स है जो ये सारे लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पर्सुएशन। अब पर्सुएशन में सामने वाला इंसान आपको ब्राइब करता है, आपको रिवॉर्ड देता है, या फिर आपको थ्रेट देता है, या फिर चैलेंज करता है। सामने वाला बार बार आपको गिफ्ट देगा, या फिर आपको डिनर पे लेके जाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको खुश कराएगा, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। और अगर ये भी चीज काम ना करे तो दे विल ट्राई टू थ्रेटन यू, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे ताकि उन्हें जो चीज आपसे चाहिए वो आपसे निकलवा ले। और नॉट नेसेसरी ये हमेशा फिजिकली होता है, कई बार ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपसे वर्बली डील करते हैं, वो अपनी बातों से आपसे चीजें निकलवाते हैं, और अगर वो भी चीज काम ना करे तो फिर वो आप पे खेलते इमोशनल गेम, क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है इमोशंस। आपकी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो उन्हें पता होगा और वो आपके खिलाफ यूज करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो आपकी पर्सनल चीज है वो अपनी पर्सनल चीजें रखो, पूरी दुनिया को जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन कब कैसे आपको इमोशनली डैमेज करने के लिए ये सारी चीजें यूज करे आपको खुद को पता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंडीशनल मैनिपुलेशन। अब ये बेसिकली 3 टाइप की होती है, फ्लैटरी, इंटीमेसी, सिंपैथी। फ्लैटरी यानी वो आपको तब तक झाड़ पे चढ़ाएंगे जब तक उनका काम नहीं निकल रहा। इंटीमेसी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उतने स्मार्ट हो कि आप समझ जाओ। एंड लास्टली आती है सिंपैथी। अगर वो आपके इमोशंस पे खेल नहीं पा रहे तो वो खुद इमोशनल बनके आपसे चीजें निकलवाएंगे। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट 90% ऑफ द जनता इस ट्रैप में फंसती है। सामने वाला 2 मगरमच्छ के आंसू बहा देना तो भाई आप पिघल जाते हो। आप सोचते हो नहीं नहीं भाई, इसकी तो मदद करनी चाहिए, इसका तो लाइफ में भला होना चाहिए, चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं, इससे क्या ही होगा। बट दैट कुड बी लीथल। आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए तो वो आपके खिलाफ ये ट्रैप बार बार यूज करेंगे, और जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा अदर देन टेलिंग देम योर सीक्रेट्स। मैनिपुलेशन नंबर 3, मिसयूजिंग अथॉरिटी। कई बार लोग आपसे चीजें निकलवाएंगे अथॉरिटी के बेसिस पे। हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हो सकता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे वो डेजिग्नेशन वाइज बड़े हो, या हो सकता है उनके पास आपसे ज्यादा पैसा और पावर हो। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर अथॉरिटी। और आपने ये सारी चीजें तो लोकल पॉलिटिशियंस के साथ देखी होगी, वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करके कई बार लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। छोटा इंसान हो तो उसके ड्रीम्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं होती। एंड लास्टली कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को इधर की बातें उधर करना बहुत अच्छे से आता है, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पीपल। उनका एक फंडा हमेशा काम करता है, 2 लोगों के बीच में झगड़ा लगाओ और उनमें से कोई ना कोई एक आके तुम्हें अपनी सारी बातें बताएगा। और अगर नॉर्मल जनता की देखे तो मैनिपुलेटिव तुम खुद ऐसा सोच के नहीं बनते हो, ये ट्रेड्स आपके दिमाग में बहुत अनकॉन्शियसली काम करती है। और कई बार ऐसे लोग उनके एक्शंस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो खुद समझ नहीं पाते कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इनको कभी ये चीज समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग ये चीज कभी समझ नहीं वाले। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू लर्न द डिफेंस। तुम सीखो कि इन लोगों से बचना कैसे है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। तो जब आपने जान लिया है कि लोग कैसे आपसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप समझते हैं लॉ नंबर 4 को। अब लॉ नंबर 4 के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, जब भी आप अपना मुंह बंद रखोगे आप दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराओगे, और आपको वही करना है, क्योंकि यूजुअली कन्वर्सेशन करते वक्त अगर साइलेंस आ जाए तो कोई ना कोई बंदा उसे फील करने का ट्राई करता है, और ऐसे मोमेंट पे आपको पता चल गया कि सामने वाला बस इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है और आप 2 बातें कह के शांत हो गए, तो ये चीज सामने वाले को जाके बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रख देगी, और फिर उनका ही गेम उन पे वापस पूरी तरह पलट जाएगा। वो ट्राई करेंगे चीजों को फिल करना अपनी बातों से, बट आपको स्मार्ट बन के वापस से 2 और शब्द कह के शांत हो जाना है। ये चीज आपको किसी से भी मैनिपुलेट होने से बचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, आप जितनी कम बातें करोगे आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगोगे। बचपन से हमारे दिमाग में हमेशा ये परसेप्शन बना हुआ है कि हमेशा एक्सट्रोवर्ट बंदा ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। ही इज नॉट पॉपुलर, ही इज अ पॉपुलर फूल। जो बंदा अपनी जबान पे कंट्रोल रखना सीखता है उसके लाइफ के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व हो जाते हैं। और यही चीज लाती है हमें प्रिंसिपल नंबर 3 पे। जब भी आप ज्यादा बात करोगे तब आप हायर रिस्क पे रहोगे कि आप कुछ ऐसा बोल दो जो आपको नहीं बोलना चाहिए।
रही है। इसीलिए आपने ये चीज नोटिस की रहेगी, जब भी कोई एक्टर किसी केस में फंस जाता है तो मीडिया जब उसके सामने आती है तब वो कहता है नो कमेंट। और ये शब्द उसके नहीं होते, ये शब्द उसके लॉयर के होते हैं, क्योंकि आज का मीडिया आपकी बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके खिलाफ यूज करना जानता है। और जब आप ऑलरेडी किसी दलदल में फंसे हुए हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर और चार चीजें गिर जाए। तो ये वो नो कमेंट्स के पीछे का रीजन। हमेशा टू द पॉइंट बोलो और अवॉइड करो खुद के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करना। अब ऐसा नहीं कि इस लॉ की सारी अच्छी बातें हैं, ये लॉ आता है उसके खुद के कुछ ड्रॉबैक्स के साथ। नंबर वन, लोग आप पे शक बहुत करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप दो लाइन कहकर शांत होने लग जाओ तो सामने वाले को ये चीज लगने ही वाली है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। बट इफ यू वांट टू सक्सेसफुली हाइड योर इंटेंशंस, यू हैव टू डील विद इट। एंड नंबर टू, कई सारी सिचुएशंस में थोड़ा पागल थोड़ा संकी लगना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप हर सिचुएशन में स्मार्ट लगने लगोगे तो भाई सामने वाला बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वो अपने इंटेंशंस आपसे छुपाने लगेगा बिकॉज उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही शाना है। सो एट टाइम्स एक्ट लाइक अ फूल बट ऑलवेज बी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द रियल इंटेंशंस। तो इसी के साथ लॉ नंबर 4 का एंड आ चुका है। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाके एक छोटा सा कमेंट तो जरूर ड्रॉप करना। आपके लिए शायद ये इतनी बड़ी चीज ना हो बट मेरे लिए एज अ क्रिएटर इट मींस अ लॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टाटा, एप्पल, गूगल, इन तीनों में एक कॉमन चीज क्या है? आप सोच रहे होगे कि इसमें कॉमन चीज क्या है भाई, ये तीनों तो अलग अलग सेगमेंट्स में है। टाटा के मल्टीपल अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ताज। लेकिन हम सब लोग टाटा इस ब्रांड को सिर्फ एक चीज की वजह से जानते हैं, रिलायबिलिटी, भरोसा। टाटा के नाम के साथ वो भरोसा आता है। अब शुरुआत में मैंने एप्पल का भी नाम लिया था, एप्पल की खुद की एक ब्रांड वैल्यू है। अगर आप चार लोगों में पॉकेट से एप्पल का फोन निकालते हो तो सामने वाला हमेशा यही चीज कहता है, भाई बड़े पैसे आ गए तुम्हारे पास, अमीरी देख रहे हो। सब लोगों को एप्पल की दो चीजें पता है, अगर एप्पल कोई भी चीज बनाएगा तो एक तो वो तगड़ी होगी और दूसरा उसकी प्राइस काफी हाई होगी। तुम्हारे दिमाग में एप्पल को लेके एक अलग ही परसेप्शन बन चुका है। एंड लास्टली बात करते हैं गूगल की। हमारे कॉलेज के असाइनमेंट से लेकर ऑफिस के प्रोजेक्ट्स तक हम लोग खुद से भी ज्यादा भरोसा गूगल पे करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी चीज है जो इन सारे ब्रांड्स को एक साथ कनेक्ट करती है, एंड दैट इज रेपुटेशन। इन सारे ब्रांड्स की मार्केट में और उनके कस्टमर्स के दिमाग में एक बहुत ही तगड़ी रेपुटेशन है। और आपको क्या लगता है ये बस एक रात में बिल्ड हो गई? नहीं, ये कई सालों की मेहनत है। इन कंपनीज ने इस लेवल पे पहुंचने के लिए और इतना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, बिकॉज उन्हें पता था कि लॉन्ग रन में इतनी हेवी कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी उन्हें एक ही चीज बचा सकती है, एंड दैट इज देयर रेपुटेशन। और ये चीज सिर्फ ब्रांड्स तक सीमित नहीं है। कल आके अगर आपको रतन टाटा सर या फिर मुकेश अंबानी जी ये कहे कि भाई इस स्टॉक पे पैसे लगा दे, बट मैं अपनी गारंटी के साथ तुझे ये कहता हूँ कि अगले साल तक ये स्टॉक 100 गुना इंक्रीज होगा, तो क्या आप उसमें पैसे नहीं लगाओगे? ये होती है किसी एक्सपीरियंस बेस्ड इंसान की रेपुटेशन। वो बंदा मार्केट में इतने सालों से, उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप ये बेट लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे। दिस इज अ पावर ऑफ रेपुटेशन। और यही रेपुटेशन लोग सही काम करने के लिए भी यूज करते हैं और गलत काम करने के लिए भी। सही काम करने के तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने है ही, लेकिन अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करके लोग बहुत गलत काम भी करते हैं। आपके आसपास के एमएलएज एमपीज को देखो, 110% उनका कोई ना कोई एक गलत धंधा जरूर होगा, चाहे वो इलीगल लिकर शॉप हो या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ये लोग अपनी रेपुटेशन का और अपनी पावर का गलत यूज करते हैं। एंड अगर आप अपनी रेपुटेशन की इज्जत नहीं करोगे और उसका सही से यूज नहीं करोगे तो 110% आपका डाउनफॉल होने ही वाला है। आप खुद से एक सवाल पूछ के देखो, अगर आप किसी को कोई चीज करने के लिए कहोगे तो क्या वो करेगा? क्या वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके आपकी मदद करेगा? दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी बातों की और जिनकी रेपुटेशन की वैल्यू है। और बाहर वालों को तो छोड़ ही दो, तुम्हारे खुद के घर वालों को तक तुम पे विश्वास नहीं है। जब भी आप उन्हें जाके कहते हो कि मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, मुझे मर्सिडीज लेनी है, ऑडी लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, तो सामने से जवाब क्या आता है? ये बात भी इन द एंड रेपुटेशन पे आ जाती है। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे और कुछ करके नहीं दिखाओगे तो सामने वाले की नजरों में आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को कभी भी अपने ड्रीम्स मत बताओ, उन्हें रिजल्ट्स दिखाओ, क्योंकि रिजल्ट्स दिखाने से ये साबित हो जाता है कि इस बंदे में कुछ करके दिखाने की पोटेंशियल है। और ऐसे मोमेंट्स पे जब तुम अपने काम के रिजल्ट्स दिखाते हो तब तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें सपोर्ट करने लगते हैं, बिकॉज उन्हें भी ये चीज पता है कि अगर बंदा किसी चीज के लिए इतना घिस रहा है तो जरूर एक ना एक दिन वो उस चीज में फाड़ के रखेगा। और रेपुटेशन बिल्ड करने के मेन और फाउंडिंग ईयर्स होते हैं 18 to 24। इसे ऐसा समझ लो कि ये आपके लाइफ के प्राइम ईयर्स है। आप जो भी चीजें इस एज में पढ़ोगे, जैसी भी चीजें कंज्यूम करोगे, आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आपको पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। आप 13 से 17 साल की उम्र में जब होते हो तब आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई आइडिया नहीं होता। आपकी फैमिली आपके लिए आपके सारे नीड्स प्रोवाइड कर रही है, आपके सिर के ऊपर एक छत है, आपको दो टाइम का खाना मिलता है, और आपको एज अ पर्सन कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही इस सब के लिए। इसलिए इस उम्र में बकचोदी कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तो एक माइंडसेट शिफ्ट सभी लोगों में आना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि वो बकचोदी करने वाले दिन चले गए, अब लाइफ के बारे में और खुद के बारे में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और जितने भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है वो 110% सीरियस है इस चीज के बारे में, वो खुद को चेंज करना चाहते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू लॉ नंबर 5 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। कॉन्शियसली इन एवरी सिंगल मोमेंट अपनी रेपुटेशन को गार्ड करना सीखो। चलो जरा इस लॉ को डिटेल में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। अगर आप याद करोगे तो आपके स्कूल में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसकी सब लोग लेते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, आते जाते चलते फिरते सब लोग उसी को टपली मारते हैं। उस बंदे
कि पूरे स्कूल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हो सकता है वो आप भी हो, और इस चीज को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी कि जब तक आपको आपकी खुद की गलतियां नहीं दिखेगी, तब तक आप खुद को चेंज नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रीलिम एग्जाम्स की होती है, ताकि आपको पता चले कि आप कहां पे गलती कर रहे हो, ताकि आप उन सारी गलतियों को बोर्ड एग्जाम से पहले सुधार पाओ। बट हम सभी लोगों को आदत ही लग चुकी है गलतियों को नजरअंदाज करने की। हमारी खुद की नजरों में हम तो दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान है, तो अगर आप वैसे इंसान हो तो एक्सेप्ट कर लो। बैक टू द टॉपिक, आप सोचो जब वो बंदा बड़ा होगा और कहीं पे जॉब करने जाएगा और वो बंदा वैसा के वैसे ही रहा जैसे वो स्कूल में था, तो सोचो उसको अपने कलीग से अपने दोस्तों से जॉब पे भी ताने मिलेंगे। जब इसकी शादी होगी तब भी इसको कोई भाव नहीं देगा। जब इसके बच्चे होंगे तो बच्चे खुद इसकी बात नहीं सुनेंगे और उसे उल्टा जवाब देने लगेंगे। आप सोचो ऐसे मोमेंट पे उस बंदे की मेंटल स्टेट क्या होगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी कभी ऐसी मेंटल स्टेट में फंसो। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस बंदे के दिमाग में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में मैं कुछ बड़ा करूं या ना करूं, लेकिन अगर मैं इस 18-24 वाले एज ग्रुप का माइंडसेट चेंज कर पाया तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। अब रेपुटेशन कैसे बिल्ड करनी है वो समझने से पहले आपको रेपुटेशन की थोड़ी और इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। रेपुटेशन के साथ साथ आपको एक और चीज मिलती है और वो है पावर। एंड दिस बोथ गो हैंड इन हैंड। यानी रेपुटेशन आपके पास आएगी तो आपको पावर भी मिलेगी, और पावर आपके पास आएगी तो उसके साथ रेपुटेशन भी आएगी। नंबर टू, एक बार आपने अपनी रेपुटेशन खो दी तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो आप उसे गेन नहीं कर सकते। शायद से आप इनफ ट्राई करोगे तो वो एक लेवल पे आ जाएगी, बट कभी भी उस लेवल पे नहीं रहेगी जहाँ पे वो पहले थी। और जब भी आपकी रेपुटेशन नीचे गिरेगी तो आपकी तरफ चारों तरफ से हमला होगा। रिसेंट एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो आप लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। जब भी इंडिया कोई मैच जीतती है तो लोग प्लेयर्स को अपने सिर पे बिठा लेते हैं, उनकी वाहवाही और उनके मीम्स आपको सोशल मीडिया पे हर जगह दिख जाएंगे। लेकिन गलती से भी अगर कभी ये लोग मैच हार जाए तो यही जनता उन पे कीचड़ उछालती है, उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, उनके बारे में खराब हेडलाइंस बनाकर न्यूज चैनल उन्हें शोकेस करते हैं, उनकी और चारों तरफ से हमला होता है। चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लोग उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने से पहले दो बार भी नहीं सोचते, सिर्फ उस एक मैच की वजह से जो वो लोग हारे। तो एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन आपको बहुत सारी चीजें लाके जरूर देगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें दांव पे भी लगती है। अब रेपुटेशन की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे, तो बात करते हैं कि रेपुटेशन को बिल्ड कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, स्पीक व्हाट यू फील। आप लोग मुझे क्यों ट्रस्ट करते हो? मैं तो एक रैंडम क्रिएटर हूं जिसे आप कभी मिले भी नहीं हो, बट यू ऑल ट्रस्ट मी बिकॉज अगर कोई चीज गलत है तो मैं उसे गलत ही कहता हूं। मुझे पता नहीं आपने कभी ये नोटिस किया या फिर नहीं कि इस चैनल पे कभी आपने कोई बेटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं देखा होगा। आपको आज से कुछ महीनों पहले की एक स्टोरी बताता हूं। जब ये चैनल जस्ट ग्रो होना शुरू हुआ था तो उस मोमेंट में इंडिया की एक बहुत बड़ी बेटिंग कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था और उनको अपने ऐप का प्रमोशन इस चैनल पे करना था। डील काफी लंबी थी और पैसा भी बहुत मजबूत। अगर आपको अमाउंट जाननी है तो क्लियरली बता देता हूं कि 20 लाख रुपए थे। अब 20 लाख जैसे आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, वैसे मेरे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं अभी भी रेंटेड फ्लैट में रहता हूं, इससे मैं अपनी फैमिली को एटलीस्ट घर के लिए डाउन पेमेंट के पैसे तो दे सकता था। और खुद का घर होना किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है, और घर भी ना सही तो एटलीस्ट मैं 20 लाख से एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल तो अफोर्ड कर सकता था। बट आई क्लियरली सेड नो टू द ब्रांड। देखो, बस कुछ रुपयों के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेलना मुझे सही नहीं लगता। और ये बेटिंग इंडस्ट्री किसी इंडिविजुअल की लाइफ खराब नहीं करती, ये कलेक्टिवली उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। आपने ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि लोगों ने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, अपना घर गिरवी रख दिया, अपने जेवर गिरवी रख दी है। सट्टेबाजी करते वक्त लोग अपनी हद भूल जाते हैं। एंड मैं पर्सनली किसी भी ऐसे क्रिएटर की रिस्पेक्ट नहीं करता जो बेटिंग एप्स के प्रमोशन करता है। आप ये सब बेटिंग ऐप के प्रमोशन करके पैसे तो कमा रहे हो, दुबई में घर भी ले रहे हो, महंगी महंगी गाड़ियां भी ले रहे हो, बट जिन लोगों की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हो उनका क्या? कुछ मंद बुद्धि वाले क्रिएटर्स ये चीज कभी समझ नहीं पाएंगे। बट एनीवेज द पॉइंट वाज, आज 1 मिलियन लोग वेब ऑफ कर्नर पे ट्रस्ट इसी वजह से करते हैं और हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग इसी वजह से है, बिकॉज वो लोग जानते हैं कि इस बंदे ने कभी पैसों के लिए किसी गलत चीज का प्रमोशन नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, अगर आप दिल से किसी को एडमायर करते हो तो उन्हें एमुलेट करो। एमुलेट करना यानी उस इंसान की कुछ अच्छी आदतें लेना। फॉर एग्जांपल, मुझे पर्सनली रतन टाटा सर बहुत पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हम्बल नेचर, और मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि उनके इंटरव्यूज देख के, उनकी बातें सुन के मैं वो सारी चीजें सीख पाऊं। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू एमुलेट समवन। जो भी इंसान आपका आइडल होगा फॉर श्योर उसकी रेपुटेशन बहुत हाई होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि लोग उसे बहुत मानते होंगे, तो उनसे वो सारी आदतें सीखने का ट्राई करो जिनकी वजह से आज उनकी रेपुटेशन इतनी हाई है। पॉइंट नंबर 3, किसी के भी पीठ के पीछे बात मत करो। आपको मैंने पहले भी ये चीज कही, अगर किसी को कुछ कहना है तो उसके मुंह पे कहो या फिर कहो ही मत। पॉइंट नंबर 4, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। इस पॉइंट को हम लोगों ने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर लिया है, तो मैं इसे वापस से डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, किसी जरूरतमंद की मदद करने से पहले दो बार सोचो मत। ये दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई, यहाँ पे सबके लिए बहुत कुछ पड़ा है। अगर आप किसी की थोड़ी मदद कर दोगे, किसी को गाइड कर दोगे, तो आपका कुछ कम नहीं होने वाला। एंड मैं यही चीज इस कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करता हूँ। कई बार कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं कि मैं खुद भी इनका रिप्लाई नहीं दे पाता, बट अगर आप उस चीज में एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप उस चीज से, अगर आप उस फेस से गुजरे हुए हो, तो प्लीज मेरी तरफ से फुल परमिशन है, उस बंदे की कमेंट्स में मदद करो। ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, बट हो सकता है आपकी कमेंट और आपका चीजों का देखने का नजरिया उस बंदे की लाइफ पूरी तरह से बदल के रख दे। तो
वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके आसपास आज जितनी भी सारी चीजें उन्हें आप किस बेसिस पे जज करते हो, चाहे वो कोई घर हो, गाड़ी हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे आप इन सारी चीजों को जज करते हो वो है अपीयरेंस, लुक्स, और बाकी लोगों के दिमाग में उस चीज को लेके क्या परसेप्शन है। अगर आपके 10 में से 9 दोस्त ये मानते हैं कि मर्सिडीज काफी ज्यादा लग्जरियस कार है तो आप भी उस चीज को मानने लगोगे। और आज की इस भीड़ भरी दुनिया में आपको कैसे स्टैंड आउट करना है, आपको कैसे अलग बनना है, उसकी बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन याद रखना इस वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करना है, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। हम सभी को बचपन से स्पॉटलाइट में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो आपने नोटिस किया रहेगा जब भी आप कभी नए कपड़े पहन के अपने दोस्तों में जाते हो तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि बाकी लोग आपको नोटिस करें, वो आपकी तारीफ करें। बट ये मैग्नेट बनना कैसे है, एक ऐसा इंसान कैसे बनना है जिससे सब लोग अट्रैक्ट हो, जिसकी बातें सब लोग सुने, यही चीज तुम्हें लॉ नंबर 6 सिखाएगा फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। बट इस लॉ को अच्छे से समझने से पहले इस बात को समझते हैं कि फेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और कैसे आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, आपको बाकी जनता से थोड़ा हटके दिखना है। पॉइंट नंबर 1, अट्रैक्शन, लोगों की नजरों में आने के लिए। चाहे आप कितनी भी घिस के मेहनत क्यों ना करो, अगर आपका बॉस आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहा है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। हो सकता है कोई और बंदा सिर्फ दिखावा करके आपका सारा क्रेडिट छीन ले, और भले ही आप उस चीज पे कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, आपके हाथ में बस एक खाली कटोरा है। नंबर 2, अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, वहाँ पे पॉपुलर होते हो, तो आपको हर चीज का एक एडेड एडवांटेज रहता है। लोग आपको हर बार नोटिस करेंगे, वो लोग आपको कॉपी करना शुरू करेंगे, एंड इन द एंड उनके दिमाग में आपके लिए रेपुटेशन बढ़ जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी जाओ, जिस भी जमीन पे कदम रखो, यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। आपको इस कीड़े मकोड़ों से भरी हुई भीड़ में कहीं खो नहीं जाना है। जो लोग एक वर्कर क्लास मेंटालिटी से जीते वो जिंदगी भर वहीं पे अटके रह जाते हैं। पैदा होना, पढ़ाई करना, जॉब करना, टैक्स भरना और फिर मर जाना, इनकी लाइफ साइकिल बस इतनी सी सीमित होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको इस क्राउड से अलग होना पड़ेगा। अब अलग होना कैसे है, कैसे फेम अचीव करनी है, कैसे स्टेटस अचीव करना है, वो जानने से पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडिसन और टेस्ला का। आपको पता ही होगा ये दोनों इन्वेंटर्स एक ही टाइम पीरियड के हैं, बट फिर भी एडिसन के पास बहुत ज्यादा फेम और पैसा था और टेस्ला के पास कुछ भी नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट टेस्ला एडिसन से ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने कई सारी ब्रेक थ्रू इन्वेंशन की है जो आज के टाइम पे भी यूज होती है। इवन ये जो आपका फोन है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी उन्हीं के इन्वेंशन से डिराइव की गई है। बट ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस आया क्यों? एक आदमी हद से ज्यादा फेमस और दूसरे को अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बितानी पड़ी। ये एडिसन का एक स्मार्ट मूव था। वो जानते थे कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपको सारी चीजें एक लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होना पड़ेगा। जब भी वो कोई नया इन्वेंशन करते थे तो वो उसे ग्रैंड स्केल पे सबके सामने प्रेजेंट करते थे, और कहा जाता है कि एक बार तो उन्होंने किसी इंसान को भी अपने इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के एग्जीक्यूट किया था, उसे मार डाला था। वो फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए और अपना नाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और टेस्ला ऑन द अदर हैंड ज्यादा स्मार्ट होने के बावजूद और तगड़ी इन्वेंशन करने के बावजूद कभी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ज्यादा नहीं आते थे। ऐसा एक और एग्जांपल है जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। बॉलीवुड में रणवीर सिंह को तो सब जानते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा कि वो इतने अतरंगी कपड़े क्यों पहनते हैं? ये एक स्मार्ट मूव है हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहकर अटेंशन ग्रैब करने का। आप अजीबोगरीब कपड़े पहनोगे फिर सारे न्यूज चैनल्स और आर्टिकल्स आपको कवर करेंगे और आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी। एक और एग्जांपल है जो मुझे खुद को अभी तक समझ में नहीं आया। उर्फी जावेद और राखी सावंत का नाम तो आपने सुना ही होगा और इनकी अतरंगी बातें और कपड़े भी देखे होंगे, बट क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि इन्होंने जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ा है जो ये सोशल मीडिया पे हर जगह छाए रहते हैं? दे नो द पावर ऑफ क्रिएटिंग कॉन्ट्रोवर्सीज। उन्हें पता है कि ऐसी बातें करने से या फिर ऐसे कपड़े पहनने से आप बिना मेहनत किए बहुत ही जल्द पॉपुलर बन सकते हो। और लास्ट में एक ऐसा एग्जांपल जिसे कौन नहीं जानता, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने जब अपनी साइबर ट्रक लॉन्च की थी तब उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट पब्लिसिटी स्टंट किया था जो आम जनता को समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा था कि साइबर ट्रक के ग्लासेस बुलेट प्रूफ है और वो कभी ब्रेक नहीं होंगे, बट जैसे इन्होंने दुनिया के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया वो कांच टूट के बिखर गया। अब आपको क्या लगता है किसी भी बड़े इवेंट से पहले और दुनिया के सामने ये चीज लाने से पहले इन्होंने कभी उसे टेस्ट नहीं किया रहेगा? ऑब्वियसली उन्होंने किया था और उन्हें पता था इसका आउटकम क्या होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने इस चीज की हाइप बनाने के लिए उसे परफॉर्म किया। एंड इन द एंड ट्रक का डिजाइन बहुत ही घटिया होने के बावजूद भी उन्हें मिली फ्री की पब्लिसिटी। इसलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैक्स है जो ये फेमस लोग यूज करते हैं और पॉपुलर होने के लिए, और हमारी जैसी आम जनता इसको कभी पकड़ ही नहीं पाती। अब हमने इसके एग्जांपल्स तो देख लिए, आप जानते हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने सर्कल में पॉपुलर कैसे बन सकते हो। नंबर 1, बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। ये इन सारे पॉइंट्स का सबसे पावरफुल पॉइंट है और ये 99% अपने टारगेट को हिट करता है। अटैक फेमस एंड पावरफुल पीपल। वो जो भी बातें करे, वो जो भी कहे, उन्हें क्वेश्चन करो, उनके सामने फैक्ट्स रखो और पॉइंट्स रखो कि आप जो सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो। नंबर 2, कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। अगर कोई इंसान मुझे 5 साल पहले मिला था वो आज मुझे नहीं जानता, क्योंकि इन 5 सालों में मेरा माइंडसेट, मेरी थिंकिंग, मेरी बातें बदल चुकी है। और यही चीज आपको भी करनी है। आपको हमेशा खुद को एजुकेट करते रहना है, खुद को रीइन्वेंट करते रहना है। हमेशा ट्राई करो कि आप रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखो और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। आपका कोई भी पुराना दोस्त आपको कभी आके ये नहीं कहना चाहिए कि भाई 5 साल हो गए लेकिन अभी भी तो बदला नहीं।
नहीं, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट कभी मत लो। दिस इज एन इंसल्ट। आपके पास 5 साल का टाइम था लेकिन आप फेल हुए खुद को चेंज करने में, आप फेल हुए एज अ पर्सन खुद के माइंडसेट को इवॉल्व करने में। पॉइंट नंबर 3, बी अनप्रेडिक्टेबल। इस पॉइंट को मैंने लॉ नंबर 3 और लॉ नंबर 4 में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे लॉस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उन सारे लॉस को जाके एक बार जरूर चेक करना। एंड लास्टली मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अटैक देन इग्नोर्ड। मैं जानता हूँ ये लॉ थोड़ा सा चीजों के डार्कर साइड पे जाता है, बट एटलीस्ट आप दुनिया की नजरों में इग्नोर होने से और एक आम जिंदगी जीने से तो बच जाओगे। तो आपके व्यूज, आपके थॉट्स और आपकी मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए रेगुलरली अपने माइंड को शार्प करते रहना। मैं बात कर रहा हूँ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे लॉस बेस्ड है बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स पे, एंगर, फियर, सीक्रेटिवनेस, जेलसी और भी बहुत कुछ। और अगला लॉ इसी चीज को एक और स्टेप ऊपर लेके जा रहा है, और बहुत से लोग इस लॉ का ट्रू सेंस कभी समझ ही नहीं पाए, बट ये चीज हजारों सालों से चलती आ रही है कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको इस पूरी दुनिया का गेम समझ के स्मार्ट बनना पड़ेगा और उसे अपने हिसाब से खेलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे कौन सा मूव खेलना है और कौन सा नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 7 की, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इस लॉ को लिटरली हर कोई यूज करता है, पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेस लीडर्स तक और एक नॉर्मल वर्कर से लेकर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तक। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लाइक करना है तो लाइक करो या फिर एक कमेंट छोड़ दो, लेकिन गलती से भी इस वीडियो को शेयर मत करना। तो लाइफ में किसी भी चीज का क्रेडिट लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फेसबुक का फाउंडर कौन है? जब मैंने आपको ये सवाल पूछा तो आपके दिमाग में एक ही नाम आया रहेगा, विच इज मार्क जकरबर्ग। और मेटा की वेबसाइट पे भी अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी वहाँ पे वही मेंशन किया है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फेसबुक को सिर्फ मार्क जकरबर्ग ने फाउंड किया है तो आप गलत हो। फेसबुक के कुल मिला के 4 फाउंडर्स थे, जिनमें से बाकी 3 लोगों के नाम तो आपने कभी सुने भी नहीं रहेंगे। ये सारे के सारे कॉलेज रूममेट्स थे और स्टूडेंट्स थे जिन्होंने साथ मिलकर फेसबुक बनाया था, बट इस चीज का क्रेडिट ज्यादातर टाइम सिर्फ मार्क जकरबर्ग को मिलता है। मार्क जकरबर्ग ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुली लोगों को ब्रेन वॉश किया, ये चीज उनके बार बार दिमाग में फीड करके, कि फेसबुक का फाउंडर मार्क जकरबर्ग है। जिस बंदे ने हक से क्रेडिट लिया वो ऊपर चला गया और बाकी 3 लोगों को दुनिया नहीं जानती। तो इस चीज को और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपको भी किसी चीज को रिलीजन और पॉलिटिक्स के परे देखना सीखना चाहिए, तभी जाके आपको चीजें थोड़ी क्लियरली दिखने लगेगी। तो जब भी मोदी जी स्पीच देते हैं तो लाखों लोग वाह वाह करते और तालियां बजाते हैं, बट क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारी बातें मोदी जी खुद कहते हैं? नहीं, किसी भी कंट्री के पीएम के एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एडवाइजर्स रहते हैं जो डिफेंस, फाइनेंस, सिक्योरिटी, रिसर्च, इन सारे फील्ड्स में काम करते हैं। और जो भी बातें आप किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के मुंह से सुनते हो वो सारी चीजें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बैकग्राउंड में एक टीम बैठकर लिखती है, और इन सारे एडवाइजर्स की लिस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। बट जो भी इंसान आपको सामने दिखता है आप उसी की तारीफ करते हो, आप क्रेडिट को लेके आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा और ब्रॉड हो गया रहेगा। तो इसको समझते हैं और एक एग्जांपल के साथ। आप सभी को मुकेश अंबानी तो पता है, लेकिन क्या आपको मनोज मोदी पता है? आपने इनको मुकेश अंबानी के साथ कई सारे फोटोज में देखा होगा, बट आपको कोई भी आइडिया नहीं है ये बंदा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुकेश अंबानी के लिए। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इसे 1500 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट नहीं करते। हमेशा जब भी स्पीचेस होती है या फिर किसी भी चीज का नया लॉन्च होता है तो आपको रिलायंस और जियो की तरफ से सिर्फ मुकेश अंबानी दिखेंगे, लेकिन मनोज मोदी एक ऐसे इंसान है जो इन सारी डील्स को क्रैक करते हैं। ही इज नोन एज द राइट हैंड ऑफ मुकेश अंबानी। मेटा और जियो की इतनी बड़ी डील इन्होंने क्रैक की है। ही इज नोन एज अ टॉप निगोशिएटर एट रिलायंस। और ये चीज आपको आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी कि दुनिया में सारी चीजें आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम लगेगी जो आपके पीछे काम करे, जो सारा बैकग्राउंड वर्क संभाले ताकि फोरग्राउंड पे आप चमक पाओ। दुनिया की इतनी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज भी क्या कर रही है, अमेज़न में 1,500,000 एम्प्लॉइज है, लेकिन बात जब भी आती है तारीफ करने की या फिर क्रेडिट लेने की तो सारा क्रेडिट मिलता है जेफ बेजोस को। टेस्ला में 1,27,000 एम्प्लॉइज है, लेकिन जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है या फिर जब भी ये कोई नया रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं तो सारा क्रेडिट मिलता है इलॉन मस्क को। दुनिया के सारे लीडर्स और पॉलिटिशियंस इस लॉ को अच्छे से यूज करना जानते हैं, और ये आज आपको भी सीखना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि क्रेडिट लेना बुरी बात है। बचपन से आपको जो एथिक्स सिखाए जाते हैं, जो वैल्यू सिखाई जाती है, उस वजह से आपको लगता है कि क्रेडिट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ही होगा अगर कोई और मेरी चीजों का क्रेडिट ले जाए, मुझे तो पता है ना कि मैंने वो चीज की है। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन जब भी आपको लगे किसी भी चीज की लाइन क्रॉस हो रही है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। किसी भी चीज का क्रेडिट लेने को ऐसे कंसिडर करो कि ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है आपकी पोजीशन को किसी भी एरिया में स्ट्रॉन्ग करने का, चाहे वो जॉब में हो, कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो। ये आपको एक अलग ही लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन दिलाता है, आप करियर में जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हो, प्रमोशंस, लीडरशिप रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं, और आप एक ऐसे इंसान बने नहीं रहते जो बस एक कोने में बैठा रहता है और जिसे कोई भी नहीं जानता। एंड लास्टली और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको क्रेडिट मिलता है तो आपको एक अलग ही लेवल पे मोटिवेशन आता है, आप उस चीज को और ज्यादा डेडिकेटेडली परसीव करते हो। अब क्रेडिट लेने की इंपॉर्टेंस तो आपको समझ गई है, तो बात करते हैं कि आपको क्रेडिट लेना कैसे है, और वो भी सही तरीके से। पहली चीज होती है, जिस भी ग्रुप के साथ आप अगर काम कर रहे हो या फिर इंटरेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोएक्टिव रहना है और सभी लोगों से कम्युनिकेट करना है, इससे आपको लोग नोटिस करना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सारी चीजों का आपको एक रिकॉर्ड रखना है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आगे जाकर
बार अगर आपका कोई कलीग आपका क्रेडिट खाना चाहता है तो उसको वो खाने ना मिले। अगर आपके पास सारी चीजों का रिकॉर्ड है कि मैंने क्या क्या चीजें की है और कब की है तो सामने वाला आपको कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, टाइमिंग इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है। आप हर बार इधर उधर जाके ये नहीं कह सकते कि ये चीज मैंने की वो चीज मैंने की। इससे आप कुछ दिखो ना दिखो लेकिन एक ट्राई हार्ड जरूर दिखोगे। किसी को पता नहीं है ट्राई हार्ड का मीनिंग क्या होता है तो गूगल कर लेना। आपको अपने वेपन्स लोड करके रखने हैं यानी सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए लेकिन फायर सही मोमेंट आने पे ही करना है। फॉर एग्जांपल जब भी सारा ग्रुप इकट्ठा हो या फिर कोई मीटिंग चल रही हो तब अगर आप इस क्रेडिट की चीज को उठाओगे तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा कंपैरेटिवली उस वक्त से जहां पे सारे टीम मेंबर्स इधर उधर बटे हुए हैं। और क्रेडिट लेने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चीज होती है दो शब्दों का सही से यूज करना जो है वी एंड आई यानी हमने और मैंने। एक एग्जांपल के साथ आपको इस चीज को समझाता हूं। इस प्रोजेक्ट को हम सभी ने मिलकर किया लेकिन इसको खत्म करते वक्त कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जो मैंने रात भर बैठ के सॉल्व की। इट इज दैट सिंपल। यहाँ पे आपने बेसिकली दो चीजें की, बाकी लोगों को भी चाहिए उतनी इंपॉर्टेंस दी और खुद की भी एक पोजीशन एस्टैब्लिश कर दी। और ये चीज करना सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ के जाती है। एंड लास्टली आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, टेकिंग क्रेडिट इज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड द राइट यूज ऑफ वर्ड्स। अगर आप अपनी स्टोरी को सही से क्रिएट करना सीखोगे और सही वक्त पे सही वर्ड्स यूज करना सीखोगे तो आपको कहीं पे भी क्रेडिट गारंटीड मिलेगा। आपकी उस एरिया में रिस्पेक्ट बढ़ेगा और रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा। सो बस यही था आज की वीडियो के लिए। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस चीज को कभी भी किसी पे अटैक करने के लिए यूज मत करना। यूज इट ओनली फॉर योर डिफेंस। आज आप में से हर किसी को ये चीज सुननी चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में इसे कभी भूलना मत। डोंट एवर रिएक्ट, लेट देम रिएक्ट। यानी खुद से किसी भी चीज पर रिएक्ट मत करो, सामने वाले को रिएक्ट करने दो। ये सिंपल एक्ट हम ह्यूमंस में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज को चेंज कर देती है विच इज कॉल्ड एज द पावर डायनेमिक्स। बट ये पावर डायनेमिक्स होता क्या है? पावर डायनेमिक्स को अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो बस ये कहूंगा कि एक सर्टन सिचुएशन में किसी सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में किस इंसान के पास सबसे ज्यादा पावर है। क्या हुआ, नहीं समझे? एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बचपन में जब भी आप दोस्तों के साथ खेलने जाते थे तो आप कई तरह की चीजें खेलते रहोगे, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी फुटबॉल। बट क्या आपने कभी नोटिस किया कि ये सारे गेम मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ग्रुप में से एक पर्टिकुलर बंदा ही डिसाइड करता था? ये एक ऐसा बंदा था जिसकी बातें सब लोग मानते थे। एंड ये चीज होती है बेसिकली उस पर्सन के ऑरा की वजह से। उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, करिश्मेटिक और पावरफुल था। इसी वजह से आप दोस्तों का पूरा ग्रुप उसकी बातें सुनता था। इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कंसिडर कीजिए एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय को। एक मैनेजर के पास किसी भी एम्प्लॉय से ज्यादा पावर होती है बट स्टिल अगर किसी एम्प्लॉय को पावर डायनेमिक्स पता है तो वो उसे इजिली चेंज भी कर सकता है और गेम को पूरी तरह पलट सकता है। अगर वो एम्प्लॉय स्मार्ट है, उसके पास एक यूनिक स्किल सेट है और उसने कंपनी को रेवेन्यू इंक्रीज करके काफी ज्यादा फायदा दिया है या फिर वो एक गुड निगोशिएटर है तो वो इजिली पावर डायनेमिक्स को चेंज कर सकता है। और जब भी सैलरी निगोशिएशन की बारी आई तो उसका पगड़ा अपने मैनेजर से भारी होगा। इस बार मैनेजर के पास ज्यादा पावर होते हुए भी पावर डायनेमिक्स एम्प्लॉय की तरफ लीन करेंगे जो यूजुअली नॉर्मल केसेस पे नहीं होता। एंड पावर डायनेमिक्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि पावर डायनेमिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द पर्सन एंड द टाइम। एंड लॉ एड आपको बेसिकली इसी चीज को मैनिपुलेट करना सिखाएगा। सो वेलकम टू द सीरीज जहां पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 8 की विच गोज बाय मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर लेना और वेब ऑफ कर्नर को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दुनिया के और पावर के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई और इंसान नहीं देगा। अब आगे बढ़ते और समझते ये लॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सभी लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। और अगर आपको पावर डायनेमिक्स चेंज करने और पावर अपने हाथ में लेनी है तो आपको उसी कुत्ते को उसकी गली से बाहर निकालना पड़ेगा। ये करने से बेसिकली सामने वाले का डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो आप पे अटैक करने के बारे में नहीं लेकिन खुद का डिफेंस करने के बारे में सोचेगा। नंबर 2, वो काफी ज्यादा नर्वस फील करेगा और इसी नर्वसनेस में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा जिसे आप आगे जाके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। एंड नंबर 3, पूरा टाइम सिचुएशन आपके हाथ में रहेगी और आपके कंट्रोल में रहेगी। वो कहते हैं ना कि आपका एनवायरमेंट आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डिक्टेट करता है तो आपको आपके एनवायरमेंट को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। अब इसे करना कैसे? पॉइंट नंबर 1, स्टे काम एंड स्टे साइलेंट। जब भी आप शांत रहते हो तो आपके आसपास एक मिस्टीरियस ऑरा डेवलप होता है। इसी की वजह से लोग आपकी तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में समझना चाहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्रेशन इज योर वर्स्ट एनिमी। जब भी आप एग्रेसिव रहते हो, गुस्से में रहते हो तो आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते और आप अपने दिमाग में चीजों को सही से प्लान नहीं कर पाते। इसी वजह से किसी भी सिचुएशन में शांत रहना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट डिपेंडेंसी। आपको सामने वाले इंसान को खुद पे कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाना है। आपको एक फेमस एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सभी लोग एप्पल के बारे में तो जानते हैं और अगर आप में से किसी ने एप्पल का कोई भी डिवाइस यूज किया रहेगा, चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो, तो आप इस चीज से जरूर रिलेट कर पाओगे। एप्पल के किसी भी डिवाइस को अगर आप एक बार यूज करोगे तो आप वापस एंड्रॉइड की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। और एप्पल ये चीज अच्छे से जानता है, इसीलिए तो उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए वो लोग कभी भी किसी बड़े एक्टर को या फिर सेलिब्रिटी को नहीं लेते बट फिर भी लोग उनके प्रोडक्ट्स का ईगरली वेट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 3, मेक अलायंसेस। यानी सिंपल भाषा में अपना नेटवर्क बढ़ाओ। जितने ज्यादा पावरफुल लोगों को आप जानते हो उतने ज्यादा आप पावरफुल हो। ये चीज आपकी साइड में और वेट लाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसा
जो सपोज आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और आप किसी हॉस्पिटल में चले गए, अगर आप उस हॉस्पिटल के टॉप सर्जन को या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव को जानते हो तो आपका काम वहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी से हो जाएगा और आपको इस चीज का एडेड एडवांटेज भी मिलेगा। बेटर ट्रीटमेंट, क्विक ट्रीटमेंट, लो कॉस्ट, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है बस अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने से। इसको और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपके फैमिली को कोई लोकल बंदा परेशान कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने सिटी के या फिर अपने एरिया के आईपीएस या फिर आईएएस से कनेक्टेड हो तो भाई लिख के ले लेना, कोई आपकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। दैट इज द पावर ऑफ अलायंस। इन सारी वीडियोस की रिसर्च करने में और इन्हें एडिट करने में हमारी टीम दिन रात एफर्ट्स लेती है। तो अगर आप मेरे लिए या फिर मेरी टीम के लिए कुछ एक चीज कर सकते हो तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। आपका एक सिंपल और छोटा सा कमेंट हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियोस बनाने के लिए। सोचो अगर आपको रास्ते पे चलते चलते अगर कोई गाली दे दे तो आप क्या करोगे? क्या आप उनकी बात सुन के लोगे? इंडिया में आपने ये चीज नोटिस की रहेगी कि जब भी आप रास्ते पे चलते चलते गलती से किसी को कट मार देते हो या आपकी गाड़ी किसी को थोड़ी बहुत टच हो जाती है तो डायरेक्टली लोग माँ बहन की गाली पे आ जाते हैं और कभी कभी सिचुएशन एस्केलेट होते होते हाथापाई भी हो जाती है। बट आप एक स्टेप पीछे लेके सिचुएशन को बारीकी से देखो कि आपको ऐसा कुछ करने से कुछ मिलने वाला है, इससे बस आपका ईगो सेटिस्फाई होगा लेकिन आपकी एनर्जी, वर्ड्स, मेंटल पीस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम वेस्ट होगा। या आपका छोटा सा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इतनी सारी चीजें दाव पे लगाना सही है? और ईगो पे बात आई गई है तो आज तुम्हारा ईगो भी तोड़ देता हूँ। समझ लो ये आप हो। अब ये रही आपकी कंट्री और ये रही अर्थ। पॉज करके देखो या जूम करके देखो, कहीं दिख रहे हो तुम? आज जिस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उससे समझने से पहले आपका ईगो तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं आगे जितने भी सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग में घुसेंगे ही नहीं और काम भी नहीं करेंगे। ये वीडियो भी उन्हीं हजारों वीडियो में से होके रह जाएगी जिन्हें बस आप देखने के लिए देख रहे हो। ये एक फोटो है जिसे द पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। ये अर्थ की आज तक की सबसे दूर से खींची हुई फोटो है। 6 बिलियन किलोमीटर दूर से इसे खींचा गया है वॉयजर 1 के द्वारा और वो भी 33 ईयर्स पहले। अब बताओ मेरे शेर, तुम कहीं दिख रहे हो इस फोटो में? तुम्हारी बात छोड़ो, तुम जिस अर्थ को अपना होम प्लैनेट कहते हो वो भी इस यूनिवर्स में बस एक डॉट के बराबर दिखती है। और लोग आजकल हर जगह लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कभी इस छोटे से डॉट के एक छोटे से टुकड़े के लिए। खैर, अब जब हम सब इंसानों को अपनी औकात पता चली चुकी है तो लेट्स मूव टू लॉ नंबर 9 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। विन थ्रू योर एक्शंस एंड नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स के बारे में तो हम सभी को पता ही है, हम सभी ने बचपन से देखी हुई है, लेकिन इस लॉ में एक्शंस किस टाइप की हो सकती है? तो एक्शंस बेसिकली 3 टाइप की हो सकती है। पहला है फाइट और अटैक, सेकंड इज डिफेंड एंड थर्ड इज वॉक अवे। फाइट और अटैक दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। लोग हर बार अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। सेकंड वाला पॉइंट आता है डिफेंड, जिसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड थर्ड और प्रोबेबली मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट इज वॉक अवे। देखो भाई, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका मेंटल पीस। अगर ये ठीक है तो पैसा और पावर कंटिन्यूसली आपके पास आती रहेगी, और अगर यही हिला हुआ है तो जितना भी पैसा और पावर आपने कमाई है वो एक ना एक दिन आपके हाथ से जाने वाली है। अब अपने एक्शन से जीतना कैसे, इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है सामने वाले को प्रूफ दिखाना। अगर आप प्रूफ के साथ, अगर आप फैक्चुअल डेटा के साथ चीजें रिप्रेजेंट करते हो तो सामने वाले के पास कितना भी तगड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट क्यों ना रहे, वो आपके सामने बात नहीं करेगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत ही तगड़ी लाइन है, गन्स एंड पोलाइटनेस इज मच मोर इफेक्टिव देन पोलाइटनेस अलोन। अब यहाँ पे गन्स का मीनिंग होता है प्रूफ्स एंड डेमोंस्ट्रेशन। आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितने भी सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर सकते हो उतने इकट्ठा करो और फिर ही सामने वाले से आर्ग्यू करो, या फिर अगर आप डेमोंस्ट्रेट करके दिखा सकते हो चीजें तो उसे डेमोंस्ट्रेट करो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरे सामने कोई बिजनेस ओनर बैठा है जिसे मुझे पिच देनी है। अब रादर देन उसे ये कह के कि मैं आपका रेवेन्यू 10 गुना कर दूंगा, अगर मैंने अपने पुराने क्लाइंट्स के कोई प्रूफ दिखाए उनको कि कैसे मेरी वजह से उनका रेवेन्यू 10x हुआ, 100x हुआ, तो वो उस बात पे ज्यादा यकीन करेगा रादर देन सिर्फ मेरे वर्ड्स पे। या फिर मैंने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो रेजिस्ट ना कर पाए कि आप 7 दिन की एक फ्री ट्रायल ले लो और इन 7 दिन में आपको गारंटेड रिजल्ट्स दिखेंगे। तो ऐसे मोमेंट में अगर आप सक्सेसफुल हो गए उनको रिजल्ट दिखाने में तो सामने वाला जहाँ पे आपको एक काम के 1000 रुपए देने वाला था वहाँ पे वो उसी काम के 10,000 रुपए भी दे सकता है, जस्ट बिकॉज यू हैड प्रूफ और आपने डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया इन सारी चीजों को। पॉइंट नंबर 2 होता है नो योर बैटल्स। आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, इट्स ओके टू लूज सम बैटल्स टू विन द वॉर, और ये लाइन आज आपको कुछ भी करके समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हमें आदत लग जाती है हर किसी को गलत प्रूफ करने की और हम अपनी एडी चोटी का जोर लगा देते हैं सामने वाले को गलत प्रूफ करने में। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कौन से बैटल्स आपके लिए सच में वैल्यूएबल है और कौन सी जगह पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी पार्टी में गए हो और वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है अर्थ के बारे में। अब आपको पता है कि अर्थ गोल है, बट वहाँ पे आपको एक ऐसा बंदा मिला जो कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है, तो इस सिचुएशन में उस इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट करना आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होने वाला। उल्टा ऐसे मोमेंट के मजे लिया करो, सामने वाला कह रहा है अर्थ फ्लैट है तो फ्लैट है, तो आपको इस चीज को हल्का सा जज करके देखना है कि क्या मुझे सामने वाले को एक्चुअली में पॉइंट प्रूफ करना है या फिर नहीं भी करना है। कई बार हम लोगों ने ये चीज स्कूल या फिर कॉलेज में देखी है कि सामने जब कोई टीचर सिखा रहा होता है और अगर वो कुछ गलती कर दे तो कोई ना कोई ओवर स्मार्ट बंदा उठ के उनकी गलतियां निकालेगा। हम इंसानों को किसी की गलतियां निकालना बहुत ज्यादा पसंद है। ये पता नहीं लोगों की क्या एक अलग ही फिटिश लगी हुई है कि सबको किसी की गलतियां निकालने में बड़ा मजा आता है, बट
आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचो, क्या वो 40-50 स्टूडेंट्स में स्मार्ट बनके आपको कुछ मिलने वाला है? क्या वो लोग इस चीज को कभी याद भी रखेंगे? क्या वो चीज करके आपका कोई फायदा भी होने वाला है? कुछ बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको हमेशा खुद को पूछने चाहिए। अगर मैं किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बैटल स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या नुकसान हो सकता है और उस चीज को करने में कितने ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे? ये तीन सवाल आपको हमेशा खुद को पूछने चाहिए। फायदा नुकसान के बारे में आपको पता ही है। रिसोर्सेस यानी आप ऐसे समझ सकते हो उसमें लगने वाला टाइम, उसमें लगने वाला पैसा या फिर उसमें खर्च होने वाला आपका मेंटल पीस। ये सारी चीजें आपके रिसोर्सेस है और इसको आपको सही से यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। इसीलिए वीडियो में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ईगो आपको साइड में क्यों रखना है। एक बहुत ही फेमस लैटिन टर्म है जिसे कहते हैं एक्टा नॉन वर्बा, यानी डीड्स नॉट वर्ड्स। कभी भी आपकी जो सोच है, आपकी जो फिलोसॉफी है, उसे किसी को एक्सप्लेन मत करो, उसको एम्बॉडी करो, उसको जियो। सामने वाले को समझना है तो वो समझ लेगा, नहीं समझना है तो वो ना समझ ऐसा समझ के छोड़ दो। हर एक चीज को एक बड़े टाइमलाइन पे देखना सीखो। कभी भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो चीजों को शॉर्ट टर्म में प्लान नहीं करते, वो चीजों को एक लंबे स्केल पे देखते हैं और फिर उनको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आपको इलॉन मस्क की बिजनेस स्ट्रेटजी भी पता रहेगी तो वो बंदा अगले 10-20 साल का प्लान करता है और फिर उन्हें छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करता है। इसी वजह से तो वो वर्ल्ड की 99.9% पॉपुलेशन से ज्यादा सक्सेसफुल है। देखो एक चीज होती है कि लॉन्ग टर्म में आपको पता नहीं है कि कौन सा इंसान आपके काम आ जाए, तो बस शॉर्ट टर्म में कोई आर्ग्यूमेंट जीत के उससे कोई रिलेशन खराब करके आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा लॉन्ग टर्म गेम के बारे में सोचो और एक्ट करो। अब अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई जाए कि सामने वाला आर्ग्यूमेंट करने पे लगाई है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना। आप समझो कि कई बार चीजें दिमाग से नहीं आती, कई बार सामने वाले के मुंह से चीजें उसके मूड की वजह से आती है। हो सकता है सामने वाले की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहे हो सकता है वो जस्ट किसी से झगड़ा करके आया हो और बस वो आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो, तो ऐसे टाइम पे आपको उस चीज को हल्का सा समझना चाहिए। एंड ऐसे मोमेंट्स पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उस जगह से वॉकआउट करना। नहीं करनी है भाई किसी से आर्ग्यूमेंट, नहीं करना है किसी को प्रूफ। मेरी आइडियोलॉजी मुझे सही लगती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से। सामने वाले ने कभी वो एक्सपीरियंसेस नहीं लिए जो आपने लिए हैं, तो वो आपकी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने उस तरीके से लाइफ को देखा ही नहीं है जैसे आपने देखा है। तो ये एक्चुअली मेरे लाइफ में मैं भी बहुत यूज करता हूँ, विच इज वॉकिंग अवे। अगर मुझे एक्चुअली में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट वैल्यूएबल नहीं लगी और ऐसा कहीं भी अभी हिंट आ गया कि सामने वाले का मूड थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो आई इमीडिएटली वॉक आउट ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। उसे कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बारीकी से और थोड़ा स्मार्टली इन चीजों को समझो। जितना जल्दी आप इन चीजों को समझ लोगे उतने जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। एक और बार आपको सम अप कर देता हूँ सारे पॉइंट्स। नंबर वन, अपने स्टेटमेंट्स को बैक करो प्रूफ या एविडेंसेस से या फिर डेमोंस्ट्रेशन से। नंबर टू, गन्स एंड पोलाइटनेस आर मच मोर इफेक्टिव देन पोलाइटनेस अलोन। नंबर थ्री, डोंट चेंज देयर माइंड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मूड। एंड नंबर फोर, डोंट फाइट एनी बैटल व्हिच इज गोइंग टू हार्म यू इन लॉन्ग टर्म। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।